हेलो फ्रेंड्स, एनडीसी न्यूज देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ अर्चना कौशल। एनडीसी न्यूज हर बार आपके लिए लेकर आता है कुछ खास और स्पेशल स्टोरीज। तो आज देखना ये रहेगा कि आज एनडीसी न्यूज क्या स्पेशल लेकर आया है, आइए देखते हैं। नागपुर यहाँ के एक थाने में एक अजीबोगरीब मामला सामने आया है। पुलिस कर्मियों के लिए ये मामला हल करने में बड़ी असमंजस की स्थिति आ गई है। एक युवक ने दिल के चोरी होने की शिकायत दर्ज कराई और उसे ढूंढ कर लाने को कहा। पुलिस ने कहा कि इस मामले में कोई मदद नहीं कर सकते। एक सीनियर अफसर के मुताबिक युवक ने शिकायत में कहा है कि उसका दिल एक लड़की ने चुरा लिया है, पुलिस वालों को ये वापस दिलाना चाहिए। अफसर ने कहा, लोग अक्सर थाने में सामान गुम या चोरी होने की शिकायत दर्ज कराते हैं, लेकिन ये कुछ अजीब मामला है। मामले को सुलझाने के लिए हम वरिष्ठ अधिकारियों से मशवरा किया गया। उधर सीनियर्स का कहना है कि इस तरह की शिकायत का आईपीसी की किसी धारा में जिक्र नहीं है। पुलिस कर्मियों ने युवा से कहा कि उनके पास इस समस्या का समाधान नहीं है, लिहाजा वो अपनी शिकायत वापस ले ले। पिछले हफ्ते नागपुर के पुलिस कमिश्नर भूषण कुमार उपाध्याय ने बताया था कि विभाग ने 82 लाख रुपए का चोरी गया सामान संबंधित लोगों को लौटाया था। मीडिया से बातचीत में उपाध्याय ने कहा, हम चोरी गया सामान लोगों को लौटा सकते हैं, लेकिन कुछ शिकायतें ऐसी भी होती हैं जिनमें हम सुलझा नहीं सकते।